Dalam seluruh satu ini kok berokok tu malu, ang tunggu nuri lagi orang pada perempat. Di ini kok berokok tu malu, engkau. MSM ini luar di Mumbai, tang shalat program apa mana? MSM ini engkau. Kaisa pandang sungguh-sungguh, pandang apa yang mazak punya Menteri Narayan Rane, tadi hasil Menteri Okelah Dr. Manik Shah. Micro Small and Medium Enterprise Bedik ni luar jemung bay. Tang selo program bawono sengkaja MSM ini tu ye hasil berim ni malimung panda. Program bawono op pandawa manjagi kya Micro Small and Medium Enterprise Bedik ni Menteri Narayan Rane hasil ni Menteri Okelah Dr. Manik Shah. Tadi tang bedik ni hasil Menteri Banu Pratap Singh Barma. He has taken it with and school this day. पूर्वोत्तर विभाग के 8 राज्यों में जाइए और विभाग के विकास के लिए हमें योगदान देना है, काम करना है और 8 जो राज्य है वो डेवलप होना चाहिए, ये बार बार हमें कहते हैं। मैं यहाँ के अधिकारियों से कल भी मेरी बातचीत हो गई, आज मैं आप लोग के सामने हूं, या उद्यमी है केंद्र राज्य सरकार के अधिकारी हैं। आप यहाँ जब केंद्र सरकार राज्य सरकार फाइनेंशियल प्रोविजन करते हैं विकास के लिए, उनका इंप्लीमेंटेशन अमल 100% हर साल होता है क्या, ये देखना चाहिए। और उसका वो योजना का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। खाली 100% खर्चा हुआ ये नहीं चलेगा, उसको लाभ मिलना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जो हमारी त्रिपुरा की लोक संख्या 36 लाख है, उसमें ज्यादा करके आदिवासी भी लोग हैं, ACST के भी लोग हैं। त्रिपुरा में मेन मुख्यतः गैस का प्रोडक्शन है, गैस है, बांबू है, चाय है, अनानस है, ये उत्पादन है। और हमारा पर कैपिटल इनकम 1,25,000 ओनली है। हमारे अधिकारी को मैं कहूंगा कि पर कैपिटल इनकम 1,25,000 शोभा देने वाला अमाउंट नहीं है, नहीं। इसी पूर्वोत्तर भाग में सिक्किम भी है, सिक्किम उनका 4,03,000 पर कैपिटल, हम 1,25,000 है। क्यों, वजह क्या है, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को रोजगार देता है, उद्यम, नए नए उद्योग उन्होंने निर्माण किया, रोजगार दिया, पर कैपिटल इनकम GDP बढ़ाया, उसमें हम क्यों नहीं योगदान दे सकते, इसका विचार हो। मैं क्रिटिसाइज करने नहीं आया, सहयोग देने आया, क्यों नहीं। वह टूरिज्म है, हम टूरिज्म आज तक क्यों डेवलप नहीं कर पाए, निसर्ग तो बहुत अच्छा है, हम कहा कि सुंदर है ये हमारा त्रिपुरा, एनवायरमेंट अच्छा है। अब हमारे पीएम साहब ने एयरपोर्ट भी आप तक पहुंचाया है, एयरपोर्ट 3 साल हो गए एयरपोर्ट शुरू। तो हम टूरिज्म एक दुनिया का ऐसा बिजनेस है, कम से कम टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं। दुनिया कई देश है, कई देश है जो टूरिज्म यही उनका उत्पादन का बजट, मुख्य बजट में देश की या स्टेट की आर्थिक स्थिति संभालने वाला विभाग है टूरिज्म। अपने देश में गोवा लेके छोटा सा है, 15 लाख उनका ये आबादी, 15 लाख उनका भी 4.5 लाख पर कैपिटल इनकम है, 4.5 लाख खाली टूरिज्म।
उनका बजट 95% टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। हमारा देर 20-25% भी होगा तो 2 लाख भारत के 180 से भी हमने आगे जाएंगे। भारत का 1,80,000 है, मैं एक फिगर छोड़ के जाता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि हम तीसरे वर्ल्ड में तीसरे कमान में आए। हमारे पंतप्रधान जी चाहते हैं अमेरिका चाइना के बाद भारत फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति में तीसरा नंबर होना चाहिए, मगर हम आज का है, आज का है। आज हम 2 लाख के करीब है और अमेरिका का पर कैपिटल इनकम 56 लाख है, 56 लाख। फिर उनका जीडीपी, हमें उनके बराबरी में जाना है, नजदीक जाना है। इतनी तरक्की करना का एक ही तरक्की करने के लिए एक आदमी कर सकते हैं, खाली पीएम कर सकते हैं क्या? वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की घोषणा दे रहे, तो पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहली तो हम मंत्रियों की है, अधिकारियों की है, फिर जनता का सहयोग। विदाउट जनता का सहयोग सपोर्ट के सिवा कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, कोई राज्य तरक्की नहीं कर सकता। तो जो प्लानिंग होना चाहिए ना, ये प्लानिंग किस तरह करना, जापान सरकार से, जापान के लोगों से सीखना चाहिए। कोई भी योजना लाने के पहले जापान 60% वक्त खाली प्लानिंग के लिए देते हैं, 40% इंप्लीमेंट के लिए देते हैं, 100% सक्सेस की होती है। हमारे टूरिज्म का क्यों नहीं नियोजन? टूरिज्म के लिए केंद्र सरकार का पैसा है, कितना खर्चा होगा, कौन सी योजना, कितने लोग पर्यटक लोग लाभ ले रहे हैं, लास्ट ईयर 3 साल में कितने पर्यटक आए, आगे कितने आने की अपेक्षा रखते हैं, कुछ तो जानकारी देनी चाहिए, देनी चाहिए। हम भी इसके लिए योगदान देंगे, एमएसएमई हर क्षेत्र में योगदान दे सकता है, फंड टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दे सकता है, एमएसएमई तैयार है। अब खाली इसे देखने नहीं है, त्रिपुरा यानी देवी का दर्शन के लिए नहीं है, मैं आप लोग यहाँ के लोग हमारे पंतप्रधान चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो उसमें भारत आत्मनिर्भर बने उसमें त्रिपुरा के लोग है क्या? नहीं तो क्यों नहीं? लेकिन जाने की कोशिश चल रही है क्या? ये देखने के लिए अधिकारियों का काम देख लेते हैं भैया। देखिए, मैं कम से कम 35 साल से कोई ना कोई डिपार्टमेंट का मंत्री रह चुका, स्टेट में अभी केंद्र, प्रशासन का तजुर्बा मेरे पास है। अधिकारी चाहे तो अगले 3 साल में 2 लाख के ऊपर पर कैपिटल इनकम आप लोग का लेके जा सकते। उसका प्लानिंग बताइए, आइए चर्चा हमारे से करें। जो स्कीमें चाहिए, क्लस्टर चाहिए, टीसी चाहिए, टीसी दिया, अभी पुरानी है, काम चालू है, 3-3 साल टीसी का काम चलता है, इतनी वन ईयर कंप्लीट होके ट्रेनिंग चालू होनी चाहिए। ट्रेनिंग होके उधर भी यहाँ के बच्चे यूथ एजुकेशन के बाहर ट्रेनिंग लेके खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या 2 करोड़ का टर्न ओवर करने वाले को तालियां मिली। आज 2 करोड़ क्या होता है? आज हमारे देश के बड़े उद्योगी का दुनिया के सब उद्योगी जो है सबसे बड़े, उतने नंबर देखो कितना, अदानी साहब का, अंबानी साहब, जल्दी आऊंगा मैं, आप बुलाएंगे के मतलब बोलेगा राणे नहीं आना चाहिए, वो तीखा बात करते हैं, मैं तीखा नहीं करता। आगे का कार्यकाल त्रिपुरा के जनता का स्वीट हो जाए, अच्छा विचार उनको भी लगे कि हम भारत के नागरिक है, बांग्लादेश से हमारे इनकम क्यों नहीं ज्यादा हो, बाजू के राज्य है चाइना और उसे उनसे क्यों नहीं हमारा इनकम ज्यादा हो, हमारे बच्चे को दुनिया में कहा भी पढ़ने की क्षमता हमारे क्यों नहीं हो,
ऐसे सोच जब उनके आएंगे तो आगे लगेंगे भारत के अधिकारी और भारत सरकार काम करें अधिकारी काम करें ऐसी मैं प्रार्थना देवी से कर मुझे अपेक्षा की वैसे तालियां नहीं वैसी अभी यहाँ पर रैंप स्कीम जो यहाँ पर इसका लॉन्च हुआ है और ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर रैंप स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुआ है और उद्यान शक्ति वो भी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ गोमती सिटी गैस प्रोजेक्ट वेस्ट त्रिपुरा बेम्बो मैट क्लस्टर का भी यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा कम जानता हूँ एमएसएमई, लेकिन जितना भी जानता हूँ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो मेरा पास जो अभी इंफॉर्मेशन है पीएमईजीपी जो टोटल सपोर्ट इज अवर 400 करोड़ त्रिपुरा में फॉर 17,000 यूनिट इन लास्ट 4 ईयर्स, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर राणा साहब जी बोल रहे थे हमारे यूनियन मिनिस्टर जी, त्रिपुरा में ऐसा एक्चुअली कल्चर था ही नहीं। बहुत पहले हम लोग बचपन में हम लोग देखे थे, हमारा खुद का भी छोटा मोटा इस तरह बहुत सारे इस तरह इंडस्ट्री यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर डेवलप था, लेकिन 35 ईयर्स का राज जो यहाँ पर चला है जिंदाबाद जिंदाबाद ये सुन सुन कर काम पर किया है और उसके कारण जो मालिक मैं खुद देखा हूँ ये इंडस्ट्री पर ये लोग कोशिश ही नहीं किए और धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया है। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे उनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ईजी रहता है, बाहर से लाना है बेचना है, बैठे रहते हैं कब आएगा कस्टमर, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है। जो जीडीपी का बात अभी यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पर इसलिए हुआ है 1 लाख था 2016-17 में और अभी हम लोग 1 लाख करीब करीब 30,000 जीडीपी हुआ त्रिपुरा का और बीच में हमारा गवर्नमेंट जो 2018 में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए तब से अभी बीच में आप देखिए 2 साल तो हम कोविड के कारण बहुत मुश्किल हुआ, ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड के कारण ये हुआ है, लेकिन ये तो कल्चर बहुत दिन से यहाँ पर चल रहा है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। 35 ईयर्स कम नहीं है, तो कल्चर से हम धीरे धीरे इतना साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं त्रिपुरा का भी जीत भी बारे और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो आने वाला दिन आ रहे हैं श्रेष्ठ त्रिपुरा का जो नारा हम लोग दे रहे हैं वो जरूर हमारा यूनियन मिनिस्टर साहब जी बोले बोले हैं यहाँ पर कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होना चाहिए, मैं निश्चित हूँ ये होना ही होगा। और हमने त्रिपुरा का मेन जो यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ का जीडीपी टोटल डिपेंड कर रहा है जो हमारा कृषक भाई बंधु है इनके ऊपर और करीब करीब यहाँ पर 44% हम लोग इसके ऊपर कृषि जो एग्रीकल्चर उसका प्रोडक्ट उसी के ऊपर हॉर्टिकल्चर हो तो इसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है और 26% त्रिपुरा को जमीन जो है ये कल्टीवेशन के लिए ये तैयार है, बाकी यहाँ पर जंगल है पहाड़ है तो ये सब जानते हुए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कैसे उपयोग करें और उससे भी हम लोगों का जीडीपी बढ़ सकता है और उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर अभी हम लोग प्राइस दे चुके हैं 6-7 आदमी को, यहाँ पर एंटरप्रेनर है बहुत है। मैंने सरकार के तरफ से कैसे उनको हेल्प करें जैसे जी ग्रुप जो 16-17 जो हमारा पास हमारा बहन और
माता जी है, इनको हमने देखा पहले 2016-17 का भी ये डाटा अगर हम ले, उससे अभी कम से कम 10 गुना बढ़ गया सभी जगह। उसके बाद ग्रुप जो होता है एसएचजी ग्रुप, और ये लोग का इनका भी ग्रुप जो है 10 गुना से 11 गुना हो गया। और गैंग टीआरएलएम और सरकार की तरफ से जिस तरह हम लोग का फंडिंग दे रिवॉल्विंग फंड से शुरू करके लोन, तो इससे भी काफी 12-13 गुना बढ़ गया। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है त्रिपुरा का, मैं कंफर्म हूँ ये आने वाले दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। टाइम कम मिला है, लेकिन जिस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये 8 प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जी बोल रहे थे, ये उन्होंने हमेशा ये सोचते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज पेपर में इस पॉलिसी जो कह रहे हैं, हमारा ये चीज यहाँ पर बात हो चुका है और इस तरह यहाँ पर इतना ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया भी डेवलप नहीं होगा, हमेशा बोलते। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा में पहली दफा यहाँ हो रहे हैं, जा रहे हैं, और इसमें मंच पर उपस्थित है जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मार्गदर्शन किए हैं, श्री नारायण राणे जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई, श्री मनोज कुमार चेयरमैन केवीआईसी, श्री विनीत कुमार सीईओ केवीआईसी, हमारे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, श्री अभिषेक चंद्रा सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड मिस्टर योका एडवाइजर टू नागालैंड सीएम, श्रीमती मानसी पाओ जॉइंट सेक्रेटरी एमएसएमई, एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर से शुरू करके स्टेट मिनिस्टर से शुरू करके सब अधिकारी सेंट्रल के सब आते रहते हैं यहाँ पर। और हमारा भी त्रिपुरा सरकार के जो अधिकारी थे ये लोग भी काफी, इन लोगों को अभी हम भी कहते हैं काम करने के लिए, और अच्छा रिलेशन भी है सेंट्रल के साथ स्टेट का, एक काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम है लेकिन मोरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने गताल रूम सुरमा रगलो लामसमा पांडा खलाई जाता जाति कुठार मसंगे पांडा चेगे रेखा एमएलए कल्याणी राय तेलेमुरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने गताल सुरनाय रगनो लामसुमा पांडा चेंगजेखा तांगशालो आरो जाति कुठार मसंगे पांडा चेंग सावि रेखा एमएलए कल्याणी राय आरो फायमानजेखा पुरा परिषद नि सहपुरपिता मधुसूदन राय कॉलेज नि प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर पालन खबै कुबनि रग आरो ककनारगना थांगै एमएलए कल्याणी राय सागा सोरोंमानि लगि लगि बरक हाइके बरक ओंगै मा बासानाय लुगुनो तैदुलनानि सोरोंना नांनाय दै बोसकांनि सालो सोरोंमानि लगि लगि हदानि सामं सोरोंनानि बागै बारजोनानि नांनाय होनि बसाखा आबनो कारै पान्दाव फायमानजों फायनाय नारवाय रगबो सोरोंनाय रगनो तै ककना रेखा तै खाक्सा बोखाक रोंनो कतरनि सोरोंनाय रगबाय दाल बिदाल हुखुमो पान्दा बख्लाय जाखा। It is time now to felicitate our respected guests. For this, I would like to request our students to come forward. I will please give a big hand for these. Sri Ranjit Shutradhar, and we are now felicitating Sri Pintu Dash. কলেজের যে কোনো অনুষ্ঠান স্কুলের যে কোনো অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ে একটু হলেও তোলা জাগে, আমার আমার কোনো তৃপ্তির জায়গা ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানে থাকা। তাই এই মহাবিদ্যালয়ের
যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট যারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই, এমনকি অধ্যক্ষ মহোদয়কেও। ওনারা আমার থেকে সময় নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বিষয়টা এই জায়গায় আমার থেকে সময় নেওয়ার অর্থ হলো যেহেতু একটা বড় দায়িত্বে রয়েছি, অনেক প্রোগ্রাম থাকে সরকারি এবং রাজনৈতিক অনেক প্রোগ্রাম থাকে, যাতে ক্লেশ না হয় তোমাদেরকে যাতে পুরোটা সময় দিতে পারি। তো ট্যাটিটিভলি আমাদের 3 তারিখে হওয়ার কথা ছিল, রাজ্যের একজন মাননীয় মন্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন, আমরা সেটা করতে পারিনি, আমরা আজকে করছি। সকলকে বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে মনে হচ্ছে ওই বয়সটাতে ফিরে গেছি, এবং খুব ভালো লাগছে আজকে তোমাদের মাঝখানে উপস্থিত হতে পেরে। তোমাদের বয়সেও আমরা এরকমই ছিলাম, এটা সব বয়সের ধর্ম। পিন্টুবাবু বলেছেন যথার্থভাবে, মধুবাবুও বলেছেন, বিষয়টা হচ্ছে টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান, সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। আনন্দ অবশ্যই বয়সে করবে, আনন্দ অবশ্যই বয়সে করবে, কিন্তু যে কাজে যে বিষয়টাকে লক্ষ্য রেখে তোমরা এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছ, পড়াশোনাটাকেও চালিয়ে যেতে হবে। শিবাঞ্জলি দেবরমা নকবই ত্রিপুরা মথানি সিমনা ব্লক কমিটিনি বিশিং ক্লাইজার সানখোলা ইন্ডাস্ট্রি হাতিও চিনি ত্রিপুরা মথানি পার্টি অফিস খুলগে রিজাকা চিনের চিনি গরম গনান খরগনি এম ডি সি চিনি দা গণেশ চিনি কাকা রবীন্দ্র তে চিনি টি ডাব্লিউ এফ নি চিনি সেক্রেটারি সেন্ট্রাল নি বাইশি বাঞ্জলি তে ও জায়গা মানজাগ চিনি ব্লক কমিটি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট ওয়াই টি এফ নি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্ট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বা তঙ্গ তে চিনি গরম গনান সুমিতা চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট টি ডাব্লিউ এফ গাইসিং অরণি চিনি ও সানকলা ইন্ডাস্ট্রি হাতিও তিনি ও যে পার্টি পেস কোথাও ক্লব মাবাই সঙ্গর তা সাবলম বরুন চিনি পার্টি নি প্ল্যান চিনি স্ট্রেটেজি তা মুং নাই সে বহু হাতি সামুখানে ওদের সে কক সাম নাম্বার সলো আগরতলানি দলেশ্বর কেভিআইসি তে টি কেভিআইবি নি কথা যা খাবনা ফেবই রেখা কেন্দ্রমন্ত্রী নারায়ণ রানে নি ইয়াকতেই তাং সলো আগরতলানি দলেশ্বর কেভিআইসি তে টি কেভিআইবি নি কথা যা খাবনক ফেবই রেখা কেন্দ্রমন্ত্রী নারায়ণ রানে বড়িয়া লাগা বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় ত্রিপুরা বহুত সুন্দর হ্যায় শান্ত স্টেট হ্যায় বহুত আচ্ছা হ্যায় আর তো ইহাকার উন্নতি হওয়া ইসকে বারে মে ক্যা হোগা हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर विभाग में त्रिपुरा जो राज्य है उनके विकास में काफी निधि दे चुके हैं और यहाँ का विकास जो हो रहा है उसमें हमारे पंतप्रधान का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के पूरा प्रोग्राम जो है प्रज्ञा भवन से शुरू हुआ है जहाँ पे आज के 8 सचिव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है एमएसएमई के बारे में और बाकी चीज़ों का सपोर्ट करने के जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो सब उन्होंने बताए हैं। यहाँ पे आकर एक वर्कशॉप के माध्यम से हमने जो जो काम उनके साथ करने थे वो भी हम कर रहे हैं। आज जो है
दो पोर्टल इनफैक्ट तीन पोर्टल का लॉन्च भी हुआ है आपके सामने। सुबह माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया है माननीय मंत्री जी नारायण गरानी जी के साथ। और इसके अलावा ये एक सेंटर जो KVIC का सेंटर है जहाँ पे रैंप और बाकी चीज़ें जो होंगी उसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग एक इंटीग्रेटेड सेंटर बना रहे हैं जिसका उद्घाटन आज हुआ है। इस बेसिस पर जो हमारे MSME के जो सेक्टर्स हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, उनको जो है सपोर्ट हम लोग करेंगे, सिर्फ हमारे DPRs और बाकी चीज़ के लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर रिलीज ऑफ फंड्स, उनको जो हैंड होल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग और इत्यादि। आपका आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे PMEGP टारगेट्स में भी हम लोग नंबर 2 पोजीशन पर है आसाम के बाद। हम चाह रहे हैं कि हम नंबर 1 हो इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं। खबजा कलेरें आमचा लुकुर साल कलम रोमी थांलाइसो जंगल अंगी तमानी MLA कैलानी रोयनी चुबा चुबाई जायजर खातन जाखा पेलियमुरा आदि ब्लक बिसिंग खबजा हाचु कमी वो केरलिंग मुंगई खुसा कमी तमानी आरो वो खुं बासी निस्लै गबां के प्रसा लुगो तमु तंगो बर गबां कुनो खुबार खलाइ जानाय दं आमसि लुकुरमी साल कलम रोमी याक्से हापुनि जरा वो सान मुखि समानि बर आमते यो कैसा जायजर सामी रंग बागे फियाबा गदग दरा नासिमनि या गुलब सुमुलिया आबनि या गुलो 2018 बिशिव तेलेमुरा विधानसभा केन्द्रनि कॉलोनी राय BCP बदनि अंगै चमरिव बातेनि सिका केलिंग आंचनि लुकुरोन कक्रमानि तमुन हासिव BCP हापा फाके बरखन जायजर सामी रनाय हने कक्रमा हाके MLA केलिंग आंचनि लुकुरोनि बागे हासदि विधानसभा खरां दिसोवै जायजर सुनामै रेखा जायजर कतल माने आमसिनि खुं बासिनि सिलाय गोबां देब्रासारो खाव खातुमु दे मोखांगो मुनि मुंनुखा गदो निसिबा बिसिओ नासिनि तमनि यागुलो पाइथाबो बगनि इमां बाइथा खुखा 28 नं तेलेमुरा बिनसुबा केन्द्रनि MLA कलोनी रायनि चाय तुमबाय आमसिनि लुकुरोनि मोखांगो मुनि मुंगि फिलिप हैया BCP कथाजाक हापुनि जरबो तेलेमुरा बिदानसुबा आमदैयो गोबां मनो हामरै खा केरलं आमजयो जायजो तांगी रमणि यागुलो आमचिनि हुबार फाइनल क्लाइसाके रांखोल पारा हाती दुई सिन्द्राय बारी बाजार ते तेलेमुरा हाती ओ फाये मुइकथं थाय कथं र फाले माफेका ते फाइनलनि मुसा जतन लुजुलिया किसा जरनि बिसिंग तेलेमुरा हाती उन फाये मानबेका ते आबाकिनो बेमार अग्नु ति बतबो डाक्ति तंत्र तेलेमुरा साखामनगो फाये मानका कुबुनि बखा फासिं रांखोल पारानि कुबुनि थायरगोबो अमहाय जायजर पर सामानी सानमुख दिशाका यांग बुखाको रांखोल पारानी जुदा जुदा आमजेब लुकुरकनी चिकन मिकन जायजर सामै रनि सानमुख तमारंग सुबुखा এবার আসি তেলিয়ামুড়াতে আমরা 4.5 বছরে কি করেছি। প্রথমেই যে কাজটা করেছি রাংখল এলাকায় একটা বস্তি আছে যার নাম কেলরিং পাড়া, সেখানে কাইপেং প্রজাতির মানুষ থাকে। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি সেতু। বিগত সরকার কাজ করেননি, বিগত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করেননি। বিগত বিধায়িকা ভোট শুধু নিতেন কিন্তু সেই সমস্ত সহজ সরল উপজাতি অর্থাৎ জনজাতি মানুষদেরকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। তারপর নির্বাচিত হয়ে যখন আমি প্রার্থী ছিলাম আমি সেই সমস্ত মানুষের কাছে গিয়েছিলাম, তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যদি ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই ব্রিজ করে দেব। তখন আমি জানতামও না তেলিয়ামুড়াতে আমি নমিনেশন পেতে চলেছি। যাই হোক, সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হই। প্রথম আমরা গ্যালারি এ সেই ব্রিজটি করি। আজকে সেই ব্রিজটি সেলফি পয়েন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ যুবক যুবতীরা সেখানে আসে। সেখানে 1,20,00,000 টাকা প্রায় আনুমানিক সেই টাকা ব্যয় করে আমরা সেখানে ব্রিজ করি।
স্টিল ফুড ব্রিজ আমরা সেখানে করি এবং আজকে সে এলাকার মানুষ তাদের কৃষিজাত পণ্য থেকে শুরু করে তাদের কক্তমারা অসুজরণ কুবরী নাকুমানী কক্তমারা চয়ই নাই তো নিশ্রাম সাথী।